राम राम भाई साहब। हाँ जी राम राम भाई साहब। भाई साहब ये आज माता जी सुबह से लगी हुई है, कितने के लोग पहुंचे होंगे यहाँ पे? आज शनिवार का दिन है, शनिवार को लगभग यहाँ 5-6 हजार लोग आते हैं। अच्छा जी। और रात में भी रुकने वाले थोड़े ज्यादा होते हैं। तो माता जी कल सुबह कितने बजे माता जी आशीर्वाद देना शुरू करेगी जी? शनिवार और संडे दो दिन लगातार होती है। अच्छा। शनिवार को जो रात को लोग रुकते हैं, अच्छा जी, वो यही होते हैं, तो इस वजह से शनिवार संडे को हमेशा जल्दी होता है, लगभग 8 बजे के आसपास आशीर्वाद होता है। और पुण्यों का आशीर्वाद माता जी कहाँ देगी जी? पूर्णमासी चाहे वो किसी भी दिन हो। अच्छा जी। 4 दिन जैसे यहाँ गांव भरवाना में 4 दिन आशीर्वाद होता है, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, दीपवार। अच्छा जी। और एक पूर्णमासी एक महीने में जो एक बार आती है, पूर्णमासी कह दो, पूर्णिमा कह दो, पुण्यू कह दो। अच्छा। वो प्रसाद माता जी उस दिन तैयार करते हैं, और वो प्रसाद है वो गाँव खाबड़ा में जहाँ माता जी का घर है वहीं पर मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तो माता जी खुद तैयार करवाती है जी प्रसाद? हाँ, भक्तों के लिए। जैसे वहाँ हलवाई वगैरह बुला के माता जी। अच्छा। और जो भोग भगवान दत्तात्रेय को लगते हैं, जो भोग मातृश्री को लगते हैं, उन सब जिन जिन चीजों का भोग लगता है उन चीजों को मिला करके माता जी महाप्रसाद तैयार करते हैं। एक और बताओ जी, आप माता जी घर पे आशीर्वाद देगी कि या मंदिर के कल पुण्यों को वहाँ पे नीम वगैरह रखी जाएगी? इतने दिन तो माता जी घर में ही, जो माँ का छोटा मंदिर है माँ तुलसी का, हम वहीं पे देते थे, लेकिन अब की बार कल नींव रखी जाएगी। अच्छा जी। तो नींव है वो माता जी अपने खेत में, जो उनके परिवार का खेत है वहाँ माता जी नींव रखेंगे। अच्छा। तो बड़ा ये भव्य माँ तुलसी का मंदिर बनेगा। तो कोई नजदीक है कोई जगह जी? कोई अच्छा, हाँ, गांव खाबड़ा डिस्ट्रिक्ट फतेहबाद है। अच्छा। और खाबड़ा में स्टेशन है। अच्छा। स्टेशन जो बठिंडा से रेवाड़ी को जोड़ती है, बठिंडा से दिल्ली को जो रास्ता जोड़ता है, वहाँ गांव खाबड़ा में स्टेशन है, वहाँ पर एक्सप्रेस गाड़ियाँ तो नहीं रुकती, जितनी अच्छा। लोकल पैसेंजर गाड़ियाँ हैं वो सारी रुकती है। साधन वगैरह का बट्टू वगैरह से आते हैं? हाँ, तो पूरा अगर कोई भाई या बहन कोई, जैसे आस पड़ोस खाबड़ा गांव के पास में 2 कस्बे पड़ते हैं, एक तरफ बट्टू कला है, एक तरफ मंडी आदमपुर है, दोनों कस्बों से पूरा हम हरियाणा या दिल्ली वगैरह चंडीगढ़ सारे जुड़ते हैं। अच्छा। तो अगर वहाँ पे आकर के खाबड़ा बट्टू से 7 किलोमीटर पड़ता है और आदमपुर से लगभग 12-13 किलोमीटर, तो वहाँ से ऑटो वगैरह लगातार चलते रहते हैं गाँव के लिए। चलो ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। ठीक। चलो जी मैं आपको बताता हूँ, अभी माता जी आरती करेगी, उसके बाद में कल सुबह माता जी आशीर्वाद 8 बजे माता जी पहुँच जाएगी, 8 बजे आशीर्वाद देना शुरू करेगी। तो ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा सामने, आज कम से कम 4 हजार के लोग करीब लोग रुके हुए हैं यहाँ पे। पूरी व्यवस्था है जी रुकने के लिए, गद्दा वगैरह भी है, माची वगैरह भी है, सब चीज़ है। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू।